हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर, वो है कैसे हमने दो डिफरेंट टेबल का जो डेटा है उसको मर्ज करके एक ही ग्रिड व्यू के अंदर जो है डिस्प्ले करवाना है। तो ये वाली जो एग्जांपल है, ये भी हमें हमारे ही किसी चैनल के मेंबर ने ईमेल करके रिक्वेस्ट की थी कि कुछ इस तरीके की एग्जांपल आप डेवलप करना बताएं, जिसमें जो कि हम दो डिफरेंट जो टेबल्स हैं उनका डेटा जो है मर्ज करके एक ग्रिड व्यू के अंदर डिस्प्ले करवा सके। तो उसी की रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए आज का एग्जांपल जो हमने डेवलप करना जो है आपको बताएंगे इस चैनल के ऊपर। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ, उसके बाद में आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही ईजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने घर पे ही पीसी और लैपटॉप के ऊपर जो है डेवलप कर पाएंगे। तो हेडिंग से आपको पता चल ही गया होगा कि ये वाली जो एग्जांपल है किस टॉपिक के रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो डेटा डिस्प्ले हुआ है वो सारा डेटा मैंने एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस में से रिट्रीव किया है, और जो डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए हमने कंट्रोल यूज़ किया है वो है ग्रिड व्यू कंट्रोल। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, मेरे पास दो डिफरेंट टेबल्स हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक है स्टूडेंट डेटा नाम का, जिसके अंदर हमारे पास चार कॉलम अवेलेबल्स हैं, रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम और मदर नेम। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे दूसरा टेबल अवेलेबल है जिसका नेम है क्लास डिटेल, और उसके अंदर भी एक रोल नंबर है, एक क्लास कॉलम है और एक सेक्शन नाम का कॉलम है। कहने का मतलब तीन कॉलम इसके अंदर है और चार कॉलम इसके अंदर है। और इन दोनों टेबल्स के कॉलम्स को मर्ज करके यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो है सिक्स कॉलम अवेलेबल है, क्योंकि रोल नंबर जो है दोनों में कॉमन है, इसीलिए हमने जो है दोनों में जो कंपैरिजन किया है वो रोल नंबर से ही किया है। जिस रोल नंबर की जो आईडी है यहाँ पे है, सेम वही रोल नंबर हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। इन दोनों को हमने कंबाइन करके एज ए सिंगल टेबल यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है। तो इस तरीके की हमारी आज की एग्जांपल है। तो इस तरीके की एग्जांपल्स को डेवलप करना कैसे है बड़े ही इजी वे के साथ, वो आज हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं, एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे न्यू, यहाँ से वेबसाइट। अब आपने इस डायलॉग बॉक्स के अंदर सेलेक्ट करना है ASP.NET MT वेबसाइट। अब आपने यहाँ पे जो है फोल्डर का पाथ प्रोवाइड करना है जिसके अंदर आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है वो सेव होगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे फोल्डर लिख देता हूँ मर्ज टू टेबल्स इन ग्रिड व्यू। तो ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है उसके अंदर जो मेरा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमने इस प्रोजेक्ट नेम के ऊपर राइट क्लिक करना है, माउस की हेल्प के साथ ऐड करेंगे ऐड न्यू आइटम। अब हमने इस डायलॉग बॉक्स के अंदर जो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है वो है वेब फॉर्म। एक ब्लैंक वेब फॉर्म जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करेंगे, और यहाँ पे आप चाहें तो इस वेब फॉर्म का जो नेम है वो असाइन कर सकते हैं, मगर मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास जो प्रोजेक्ट के अंदर नया वेब फॉर्म है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमने इसके डिज़ाइन के अंदर जाना है, और सबसे पहले इसका जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इसके अंदर DIV के अंदर, और टूल बॉक्स में से सबसे पहला कंट्रोल जो हम इस वेब फॉर्म के ऊपर ऐड करेंगे वो है लेबल। तो लेबल को जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया, आप देख पा रहे हैं लेबल मेरा वेब फॉर्म के ऊपर आ चुका है। अब हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंजेस करनी है, तो सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी हम चेंज करेंगे वो है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरिति स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो सबसे बढ़िया वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने
और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, और साथ में जो हम सारा वर्क है वो लाइव एग्जांपल के थ्रू करते हैं, जिससे आपके कंसेप्ट की जो क्लैरिटी है, कंसेप्ट की जो नॉलेज है वो और भी इम्प्रूव होगी और भी इंक्रीज होगी। हम आपको हर एक एग्जांपल के साथ सारा सोर्स कोड भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि पहली बार प्रोजेक्ट को डेवलप करने में आपको कोई दिक्कत ना आए। इन केस कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ जो है ईमेल के थ्रू या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के थ्रू शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उसका जो सोल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएँ। और इन केस आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया घूम रहा है जिसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो वो आइडिया भी हमारे साथ शेयर कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे उस आइडिया को एज ए वीडियो ट्यूटोरियल इम्प्लीमेंट करके इस चैनल के ऊपर अपलोड कर पाएँ, और ताकि वो आपके लिए और बाकी सभी मेम्बर्स के लिए जो है हेल्पफुल रहे। तो यहाँ पर अब हमने एक लेबल और इंसर्ट करना है, और इस लेबल के अंदर आज के प्रोजेक्ट का जो हेडिंग है वो हम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ मर्ज टू टेबल्स डेटा इनटू वन ग्रिड व्यू यूजिंग ASP.NET C#। अब हमने यहाँ से इसका जो फॉर कलर है वो सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ फॉर कलर। अब हमने यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए जो कंट्रोल यूज़ करना है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कंट्रोल है। टूल बॉक्स में डेटा कैटेगरी के अंदर हमारे पास अवेलेबल है, उसका नेम है ग्रिड व्यू कंट्रोल। तो इस ग्रिड व्यू को डबल क्लिक करके ऐड कर देते हैं वेब फॉर्म के ऊपर। अब हमने इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बाद में करनी है, सबसे पहला जो काम हमने करना है वो करना है अपने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवानी है, और उससे जो डेटा है वो रिट्रीव करवाना है दोनों कॉलम में से। तो कनेक्टिविटी करवाने के लिए और डेटा को रिट्रीव करवाने के लिए हमारे पास SQL सर्वर के साथ जो कम्बिनेशन करवाने के लिए टूल बॉक्स में टूल अवेलेबल है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसका नेम है SQL डेटा सोर्स। तो इसको भी डबल क्लिक करके ऐड कर देते हैं वेब फॉर्म के ऊपर। तो कनेक्टिविटी करवाने से पहले मैं आपको एक बार SQL सर्वर के अंदर किस तरीके का जो डेटाबेस है, किस तरीके के जो टेबल्स हैं, उनकी डिज़ाइनिंग क्या है, वो किस तरीके की है, वो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार एग्जिट करता हूँ और शुरू से आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो है वो अवेलेबल है। तो अगर आप SQL सर्वर के साथ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू काम करना चाहते हैं तो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो इसे आप अपने PC और लैपटॉप के ऊपर जो है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास जो सर्वर का नेम है वो लिखा आ चुका है। जो ऑथेंटिकेशन हम यूज़ कर रहे हैं वो है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, तो इसके साथ कनेक्ट करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कनेक्टिविटी जो है मेरे सर्वर के साथ हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे डेटाबेसिस के अंदर जो डेटाबेस आज की एग्जांपल के लिए यूज़ करना है उसका नेम है कॉलेज डेटा, और इसके अंदर जो टेबल्स हमने यूज़ किए हैं वो है दो टेबल्स, एक है स्टूडेंट का डेटा नाम का टेबल, एक है क्लास डिटेल नाम का टेबल। तो स्टूडेंट डेटा का डिज़ाइन जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डिज़ाइन काफ़ी इजी और सिंपल है। यहाँ पे हमने चार कॉलम्स यूज़ किए हैं और रोल नंबर को एज ए प्राइमरी की सेट किया हुआ है, और यहाँ पे स्टूडेंट का नेम, फादर नेम और मदर नेम। तो इस तरीके का जो टेबल है इसका डिज़ाइन जो है आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी के ऊपर। अब इसके अंदर जो डेटा ऑलरेडी मैंने एंटर करके रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चार रिकॉर्ड्स हमने पहले से एंटर कर रखे हैं। अब मैं आपको दिखा दूं क्लास डिटेल नाम का जो हमारे पास टेबल है उसका डिज़ाइन किस तरीके का है। इसमें भी हमने तीन कॉलम यूज़ किए हैं, रोल नंबर को एज ए प्राइमरी की सेट किया है ताकि इसकी जो वैल्यू है वो यूनिक रहे। कहने का मतलब है कि हम रोल नंबर को रिपीट नहीं कर सकते इसके अंदर, रोल नंबर हमेशा यूनिक रहेगा। और यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्लास डिटेल के अंदर जो इसका डेटा एंटर मैंने किया हुआ है वही सेम रोल नंबर है जो मैंने स्टूडेंट डेटा के अंदर यूज़ किए हैं, उनकी क्लास के रिलेटेड जो मैंने डेटा वो एंटर करके रखा हुआ है। अब हम इन दोनों टेबल्स को जो है मर्ज करेंगे रोल नंबर के अकॉर्डिंगली, जिसका जिसका रोल नंबर मैच करता जाएगा वो वाला ही जो रो है वो मर्ज होती जाएगी ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर। तो इस तरीके का जो टेबल है, इस तरीके का जो डेटाबेस है आपने पहले से क्रिएट कर लेना है आज की एग्जांपल के लिए। तो इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। अब हम जो है अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहले SQL डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे इजीली। और अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स के ऊपर, अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है न्यू कनेक्शन के ऊपर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है वो लिखा आ चुका है। अब हमने यहाँ पे सर्वर का नेम जो है वो एंटर करना है, तो यहाँ पे मैं अपने सर्वर का नेम लिख रहा हूँ, आपने अपने सर्वर का जो नेम है वो लिखना है।
जो ऑथेंटिकेशन हम यूज़ करें हैं वो है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, और यहाँ से अब हम डेटाबेस का जो नेम है वो सिलेक्ट करेंगे जो हम आज के एग्जांपल के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसका नेम है कॉलेज डेटा। अब हमने यहाँ पे टेस्ट करके देखना है कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। अब हमने ओके के ऊपर क्लिक करना है, अब हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब हमने जो है यहाँ पे जो ऑप्शन यूज़ करनी है वो है स्पेसिफाई कस्टम एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो ये एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है हम खुद टाइप करेंगे, इसलिए मैं पहले वाली ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि हम दो टेबल्स का डेटा जो है वो एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू जो है मर्ज कर पाएँ। तो पहली ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब हमने यहाँ पे एसक्यूएल स्टेटमेंट को जो है लिखना है, तो एसक्यूएल स्टेटमेंट हमारी किस तरीके की होगी वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है वो पहले से हमने यहाँ पे टाइप करके रखी हुई है, ये वाली जो कोडिंग है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप इजीली इसको जो है डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे, या फिर यहाँ पे जो वीडियो है यहाँ पे पॉज करके आप कॉपी के ऊपर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसको यहाँ पर जो है पेस्ट कर देते हैं। क्वेरी काफ़ी ईजी है, यहाँ पर हमने जो है सबसे पहले सिलेक्ट किया है दो टेबल्स यहाँ पर लिखे हैं, फ्रॉम स्टूडेंट डेटा से डेटा को फेच करना है, क्लास डिटेल से फेच करना है, वेयर क्लोज यूज़ किया है, कौन कौन से रिकॉर्ड फेच करने हैं, जिस जिस स्टूडेंट डेटा के डॉट रोल नंबर किसके इक्वल हो, क्लास डिटेल डॉट रोल नंबर के इक्वल। कहने का मतलब पहले हमने टेबल कोई का नेम लिखा है, उसके बाद डॉट के बाद कॉलम का नेम लिखा है, इसी तरीके से कौन कौन से कॉलम हमने रिट्रीव करने हैं, स्टूडेंट डेटा में से रोल नंबर को रिट्रीव करना है, स्टूडेंट डेटा में से स्टूडेंट का नेम फेच करना है, स्टूडेंट डेटा में से स्टूडेंट का फादर नेम फेच करना है, स्टूडेंट डेटा में से मदर नेम फेच करना है, क्लास डिटेल में से क्लास डिटेल क्लास को फेच करना है, क्लास डिटेल में से सेक्शन को फेच करना है। तो जिस जिस कॉलम को जिस जिस टेबल से फेच करना है वो हम यहाँ पे जो है पहले टेबल का नेम, उसके बाद में डॉट और उसके बाद में कॉलम का नेम, इस तरीके के जो सिंटैक्स से जो है उसको फैच करवा सकते हैं। एक बार आप नेक्स्ट कर दें इसको और यहाँ पे टेस्ट क्वेरी करके देख लेते हैं, डेटा प्रॉपरली रिट्रीव हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो एसक्यूएल क्वेरी वाला पार्ट है वो बिल्कुल ठीक है। अब हमने फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट हमारा जो एसक्यूएल डेटा सोर्स है वो प्रॉपरली कन्फिगर हो चुका है। अब हमने इस ग्रिड व्यू कंट्रोल को कॉन्फ़िगर करना है, तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी एक अच्छा सा जो आपको बढ़िया लगे फॉर्मेट वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर दें, ओके के ऊपर क्लिक कर दें। अब हमने यहाँ पे जो है डेटा सोर्स को सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले यहाँ से डेटा सोर्स पे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हम डेटा सोर्स सिलेक्ट करेंगे वो है एसक्यूएल डेटा सोर्स 1 जो अभी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। अब हमने इनके जो हेडर वाला पार्ट है इसके अंदर जो टेक्स्ट टाइप है, कॉलम के नेम लिखे हुए हैं, इनको प्रॉपरली हमने टाइप करना है, तो इनको एडिट करने के लिए हम एडिट कॉलम्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हर एक फील्ड को वन बाय वन सिलेक्ट करेंगे, उसका जो हेडर टेक्स्ट है वो प्रॉपरली टाइप करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा रोल नंबर, अब हमने इनकी जो अलाइनमेंट है वो भी सेंटर में करनी है, तो आइटम स्टाइल के अंदर जाइए और जो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है इसको सेंटर में कर दीजिए। अब सेकंड वाले को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट नेम, इसी तरीके से इसकी जो अलाइनमेंट है वो हमने आइटम स्टाइल के अंदर जाने के बाद करनी है, हॉरिजेंटल सेंटर। इसी तरीके से फादर नेम को हम स्पेस के साथ प्रॉपरली लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको टाइप कर देता हूँ और आइटम स्टाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा हॉरिजेंटल सेंटर। इसी तरीके से मदर नेम को प्रॉपरली टाइप करते हैं और इसकी भी जो अलाइनमेंट है वो हमने करनी है आइटम स्टाइल के अंदर जाने के बाद हॉरिजेंटल सेंटर। इसी तरीके से क्लास को सिलेक्ट करेंगे, इसका भी प्रॉपरली लिखेंगे, फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल मैंने कर दिया है, आइटम स्टाइल के अंदर जाना है और यहाँ पे हमने सेंटर करना है हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। यहाँ पे हमने सेक्शन को भी प्रॉपरली लिखना है और इसकी भी जो अलाइनमेंट है वो हम करते हैं हॉरिजेंटल सेंटर। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा प्रॉपरली जो हर एक फील्ड है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हमने ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब हमारा जो ग्रिड व्यू कंट्रोल है वो भी रेडी है और जो एसक्यूएल डेटा सोर्स है वो भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है, प्रोजेक्ट हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमारे पास इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कैसे दो टेबल्स का जो डेटा है वो मर्ज होके एक ही ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर जो है डिस्प्ले होता है।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रोजेक्ट प्रॉपरली रन हो चुका है और जो डेटा है वो प्रॉपरली रिट्रीव हो चुका है एसक्यूएल सर्वर में से, और प्रॉपरली इसको जो है हमने डिस्प्ले करवा दिया है मर्ज करने के बाद एक ही ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर। तो इस तरीके की जो एग्जांपल है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर, जहाँ कहीं भी आप जो है दो टेबल्स का डेटा या दो से ज़्यादा टेबल्स का डेटा जो है मर्ज करना चाहते हैं एक ही ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, मैं थैंक्स करना चाहता हूँ उस मेरे मेंबर का जिसने ये वाली जो रिक्वेस्ट है हमें ईमेल के थ्रू सेंड की और इसका हम वीडियो ट्यूटोरियल बना के इस चैनल के ऊपर अपलोड कर पाए। हम आशा करते हैं ये वाला वीडियो ट्यूटोरियल आप सभी के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप भी अपने आइडिया जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ईमेल के थ्रू या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के थ्रू। हम कोशिश करेंगे उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जल्द से जल्द करें और एज ए वीडियो ट्यूटोरियल इस चैनल के ऊपर अपलोड कर पाएँ। अगर आपको इस वीडियो के बारे में आज की नॉलेज मिल चुकी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर इस वीडियो को किसी फ्रेंड या स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू शेयर कर दें। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।